वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स आज रीट लेवल फर्स्ट में हम बात करने वाले हैं ध्रुव्यसन की। ठीक है, ध्रुव्यसन हम कह सकते हैं जो व्यसन होते हैं, बुरे जो आदतें होती हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं ध्रुव्यसन। ठीक है, तो ध्रुव्यसन में कौन आते हैं? ध्रुव्यसन में आता है मद्यपान, मतलब की ड्रिंकिंग, नशाखोरी, जो ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम, इनका यूज करना, ठीक है, शरीर के अंदर प्रवेश करवाना, ये सब चीजें हैं, ये दुर्व्यसन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। अब दुर्व्यसन में हमने जो आज सबसे पहले लिया है वो है हमारा मद्यपान। मद्यपान का मीन्स होता है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग, अब ड्रिंकिंग को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है कि हम सामान्य से ड्रिंकिंग का अर्थ है वो जानते हैं कि ड्रिंकिंग होती क्या है। अब लेकिन ड्रिंकिंग की कुछ अवधारणा है, कहने का अर्थ है कि कोई आदमी ने ड्रिंक किया है तो ड्रिंक करने के बाद हम उसको कब ड्रंक बोलेंगे। ड्रंक का मतलब है पिया हुआ, पियक्कड़, है ना, कब उसको, कब हम उसको पिया हुआ बोलेंगे, तो उसकी कुछ अवधारणा है। तो ये अवधारणा मैंने पहले से लिख रखी है। एक होता है एल्कोहलिज्म। जो अवधारणा होती है वो ये होती है कि एक व्यक्ति जो शराब पीने के बाद अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण खो देता है तो हम उसको कहते हैं एल्कोहलिज्म। मतलब ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसको पीने के बाद कोई होश हवास नहीं रहता है, वो सारी जो चीजें होती है उसको हम क्या कहेंगे, एल्कोहलिज्म। मतलब ये वो व्यक्ति हैं जो पी लेते हैं और फिर सड़क पर कहीं भी गिर जाते हैं और कई बार गंदे नालों में गिरने की वजह से इनकी मौत तक हो जाती है, या ये इतना शराब सेवन कर लेते हैं कि शराब सेवन से भी इनका हार्ट फेल हो जाता है और किडनी वगैरह फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाता है और फिर ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और आपने देखे होंगे बहुत सारे ड्रंक करने के बाद नालियों के किनारे पड़े रहते हैं और फिर आप जानते हैं डॉगी आता है वगैरह 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 सब। ओके, तो ये हो गया एल्कोहलिज्म। दूसरा होता है ओकेजनल ड्रिंकर। ओकेजनल ड्रिंकर को हम ओकेजन का होता है, अर्थ होता है अवसर। ओकेजनल ड्रिंकर ये क्या होते हैं, अवसर पर पीते हैं। अवसर पर मतलब जैसे दो महीने निकल गए, दो महीने में किसी एक कप किसी फ्रेंड ग्रुप में किसी का बर्थडे आया तो उनके, चल यार आपका बर्थडे है तो हम है ना पी लेते हैं, तो ये जो होता है ये होता है ओकेजनल ड्रिंकर। ठीक है, एक होता है कंपल्सिव ड्रिंकर। वे होते हैं जो बिना पिए नहीं रहते, उनके लिए पीना बाध्यता है, अनिवार्यता है। ठीक है, किस तरह के ड्रिंकर होते हैं? ये ड्रिंकर ऐसे होते हैं जैसे फॉरेन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में खाने के साथ जैसे हम यूज करते हैं पानी या हम यूज करते हैं छाछ, वैसे वो खाने के साथ एक जो ग्लास है, ग्लास ऑफ आप जानते हैं बियर या जो भी है उसका वो यूज करते हैं। तो वो क्या है, कंपल्सिव है, उनकी वो हैबिट है, वो पिएंगे ही पिएंगे। हाँ, लेकिन वो अल्कोहलिज्म में काउंट नहीं होते हैं। कारण है क्योंकि वो सिर्फ इतना यूज करते हैं कि वो अपने शरीर पर नियंत्रण रख पाते हैं। तो इस प्रकार जो होता है उसको हम कंपल्सिव कहते हैं। एक बार हाँ, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे इस मद्यपान की अवधारणा पर, यानी ड्रिंकिंग की अवधारणा पर। अब एक होता है रिचर्ड ब्लूम के अनुसार। रिचर्ड ब्लूम ने ड्रिंकिंग को दो तरीके से विभाजित किया है, दो तरह से। एक होता है सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती है। सामाजिक प्रतिष्ठा का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक स्टेटस की बात होती है, स्टेटस, ठीक है। और एक है सामाजिक दुष्परिणाम। तो दो तरह की बात होती है, एक तो सामाजिक प्रतिष्ठा की बात है और एक है सामाजिक दुष्परिणाम की बात है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात उन विकसित कंट्रीज में ये है जहां पर पीना बुरा नहीं माना जाता है, जैसे फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है, भूमध्य सागरीय जो देश है उन देशों में शराब को राष्ट्रीय पेय पदार्थ घोषित किया हुआ है, राष्ट्रीय पेय पदार्थ, ठीक है। तो यहां पर इस शराब को पीना प्रतिष्ठा की बात है, बुरा नहीं है। दूसरा है सामाजिक दुष्परिणाम। भारत जैसे देश, इसके अलावा अदर जो मुस्लिम देश हैं
वहां पे ये सामाजिक दुष्परिणाम की बात माना जाता है, ठीक है। उसकी एक वजह है भारतीय संस्कृति, भारतीय धर्म, यानी कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, जो दो सबसे बड़े धर्म है भारत के, उन दोनों ही धर्मों में व्यक्ति को उन चीजों के सेवन करने से मना किया गया है जो व्यक्ति को व्यक्ति नहीं रहने दे। कोई चीज व्यक्ति को जानवर बना दे अगर, तो फिर उस चीज का भारतीय समाज सभी धर्मों में क्या है, बंद है, मतलब आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ सामाजिक दुष्परिणाम की बात मानी जाती है, भारत में प्रतिष्ठा की बात नहीं मानी जाती। अब भारतीय कानून के संदर्भ में, भारतीय कानून के अंतर्गत भी कुछ अवधारणाएं हैं। भारतीय कानून में मद्यपान की अवधारणा क्या है, ठीक है। भारतीय कानून में मद्यपान की अवधारणा, यानी मान लीजिए कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपने आपने आप कहें यार मैं तो ड्रिंक नहीं करता हूं, आप मुझे आपने क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा मानो कि कोई और है, किसी व्यक्ति बोलता हूं मैं कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए ड्रिंक किया है, ठीक है, ड्रिंक किया है, नॉर्मल ड्रिंक किया है, तो हम उसे कब कहेंगे कि हाँ ये पिया हुआ है, हम उसको पिया हुआ कब मानेंगे। तो उसकी कुछ अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है यदि उसके ब्लड में, यदि व्यक्ति के ब्लड में 0.1%, यदि व्यक्ति के ब्लड में 0.1% अल्कोहल की मात्रा मिलती है, तो ऐसे व्यक्ति को हम ड्रंक कहते हैं, यानी कि वो पिया हुआ है, ही इज ड्रंक, वह पिया हुआ है, ही इज ड्रंक, वह पिया हुआ है, ठीक है। एक होता है अगर व्यक्ति के ब्लड में, यदि व्यक्ति के ब्लड में 0.25% अल्कोहल मिलती है, ठीक है, 0.25% अल्कोहल मिलती है, तो हम उसको कहते हैं टोटली ड्रंक, टोटली ड्रंक, TOTALY है, टोटली, टोटली ड्रंक, यानी कि हम उसको कहते हैं पूर्णतः पिया हुआ, ठीक है, कि अब वो क्या है, पूर्णतः बिल्कुल मदोन्मत्त है, इसको हम बोलते हैं मदोन्मत्त, ये बिल्कुल मदोन्मत्त है, टोटली ड्रंक, वो निश्चित रूप से पिया हुआ है। अब यदि किसी व्यक्ति के ब्लड में 0.3% से 0.4% अल्कोहल मिलता है, 0.4% अल्कोहल मिलता है, तो उसे हम कहते हैं सेमी क्रिटिकल ड्रंक, सेमी क्रिटिकल ड्रंक, ठीक है। सेमी क्रिटिकल, क्रिटिकल आप जानते हैं कि हम कहते हैं वो क्रिटिकल पोजीशन में है, गंभीर है ना, तो कम गंभीर जो पिया हुआ, मतलब उसके हार्ट को, उसके अन्य जो अंग है उनको शराब नुकसान पहुंचा रहा है, बट क्रिटिकल से जस्ट कम, ठीक है। अब इससे अधिक अगर किसी व्यक्ति के शरीर में, ब्लड में, किसी व्यक्ति के शरीर के ब्लड में 0.4% से अधिक मात्रा में अल्कोहल मिलता है, तो इससे अधिक वो होता है क्रिटिकल ड्रंक, क्रिटिकल ड्रंक, ये अवधारणा होती है। अब इस अवधारणा, ये क्रिटिकल ड्रंक जो किया हुआ होता है, कभी कभी ज्यादा पी जाने से उस व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है, तो उस इस अवस्था को हम कहते हैं क्रिटिकल ड्रंक, ठीक है, ये एक बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है उपचार क्या है इसका, बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं, वो थ्योरियां हैं, उन थ्योरीज है, थ्योरियां क्या होता है, तो थ्योरीज है, ओके, तो थ्योरीज है वो, तो थ्योरीज उनकी हमें जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन पर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अब उपचार क्या है, उपचार में सामाजिक उपचार है ही है, हम जानते ही हैं, ठीक है। तो औषधि होती है, एक एंटाब्यूज नाम की औषधि होती है, इस एंटाब्यूज औषधि में जो साल्ट होता है, ठीक है, जो साल्ट होता है वो होता है, बहुत मुश्किल सा नाम है, टेट्रा इथाइल श्यू रेमडी सुल्फाइड, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये ध्यान रखें, ये है हमारा इसमें साल्ट और ये इसके उपचार में उपयोगी है। बाकी भारतीय कानून शराब की बिक्री और शराब के उपयोग पर बैन नहीं लगाता है, ठीक है, नहीं लगाता है, भारत में शराब पीने के लिए ही बनी है, ओके, ध्यान रखिए। तो इस पर कोई बैन नहीं है, ना इसके पीने पर, ना इसकी बिक्री पर। हाँ, समय समय पर कुछ राज्यों ने, समय समय पर कुछ राज्यों ने शराब के उपयोग पर बैन लगाया है, और ऐसे राज्यों को हम ड्राई स्टेट कहते हैं, ड्राई स्टेट,
और कुछ दिन है जैसे गांधी जयंती, तो वहां पर भी उस स्थिति में भी हम उसको ड्राई डे बनाते हैं, तो वहां पे शराब की बिक्री और शराब का उपयोग नहीं किया जाता है। ड्राई स्टेट में विशेष जैसे बिहार है, गुजरात है, पहले कभी आंध्र प्रदेश भी रहा था, केरला भी रहा था, हरियाणा वगैरह, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि इन राज्यों से फिर पुनः शराब बिक्री रोक हटा ली थी। अभी काफी चर्चित है गुजरात बिहार जो ड्राई स्टेट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये विशेष बात हो जाती है हमारे दुर्व्यसन में मद्यपान पर, हम इस ड्रिंक को ड्रिंकिंग कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे जो नशाखोरी होती है, नशा, ठीक है, नशाखोरी हम कहते किसको है। देखो, नशा व्यक्ति को किसी का भी हो सकता है, नशा व्यक्ति को किसी का भी हो सकता है, पढ़ाई का भी नशा होता है ना, होता है, ठीक है, किसी को खेलने का नशा है, किसी को क्रिकेट का नशा है, किसी को पढ़ने का है, किसी को पढ़ाने का है, नशा कैसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मतलब कि कोई ऐसे मान लो, यदि कोई ऐसी वस्तुओं का सेवन करता है, ऐसी नशीली वस्तुओं का सेवन करता है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित हैं, उनका सेवन अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, याद रखना है। ओके, हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ विशेष जो कानून है, कानून का कुछ संस्थाएं हैं जो कि ड्रग्स नियंत्रण से संबंधित कार्य करती हैं। शुरू करते हैं हम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे नशाखोरी से मुक्ति के संदर्भ में। तो पहले जो भारत सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम निकाले गए हैं, उन अधिनियम में पहला है एनडीपीएस एक्ट, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, ये नार्कोटिक ड्रग्स क्या होते हैं, जो हमारा नर्वाइन सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करते हैं, इन्हें मने प्रभावी औषधि, मने प्रभावी ड्रग भी कहा जाता है, जैसे कि अफीम है, कोकीन है, हेरोइन है, गांजा है, ठीक है, चरस है, ये सब क्या है, ये प्रतिबंधित मादक पदार्थ है। तो नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, तो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक, साइकोट्रोपिक होता है मने प्रभावी, जो आपके मन को बदल दे, मने प्रभावी सब्सटेंसेस होता है पदार्थ, तो मने प्रभावी सब्सटेंसेस एक्ट 14 नवंबर 1985 को भारत सरकार में लागू किया गया, जो कि अधिनियम पूरी तरह से इस नशाखोरी पर नियंत्रण लगाता है, ठीक है, इसे नशा को इलीगल बताता है। ऐसे ही है द प्रिवेंशन ऑफ इलिक्ट ट्रैफिक, इलिक्ट ट्रैफिक हम कहते हैं दुर्व्यापार को, दुर्व्यापार क्या होता है, हम तस्करी कह सकते हैं सामान्यतः, तस्करी, तो दी प्रिवेंशन ऑफ इलिक्ट ट्रैफिक, प्रिवेंशन यानी होता है रोकथाम, तो तस्करी की रोकथाम लगाता है इन नार्कोटिक ड्रग्स, मने प्रभावी जो औषधियां हैं उनकी तस्करी पर रोक लगाता है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वही मने प्रभावी तत्वों पर रोक लगाता है, कौन सा अधिनियम, 1988 का अधिनियम, ठीक है। इसके अलावा बस सिंपल से है कि आप कानून के अतिरिक्त भी इसके कुछ उपचार हैं, तो जैसे उपचार में परामर्श केंद्र, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आदतन लत है, आदतन वो पूरी तरह से मतलब आप, एक तो होता है जैसे मैंने बात की थी अल्कोहलिज्म, तो ये उस तरह से आदतन लत वाले जो होते हैं वो परामर्श केंद्रों पर इन्हें मिल जाता है उपचार, मतलब परामर्श केंद्रों के माध्यम से वो इन नशे की आदतों से छूट मतलब छोड़ सकते हैं। एक होता है वी व्यसन केंद्र, व्यसन यानी होता है अपना जो लत पड़ गई है हमें, और वी व्यसन लत को छुड़ाना, ठीक है, तो ये तो होता है आदतन, ये होता है लत, लत पड़ गई है यहाँ पे, व्यसन हो जाता है किसी को, हम किसी चीज की लत हमें लग जाती है, जैसे कि हमने बात की दुर्व्यसन, तो बुरी लत, तो बुरी वी व्यसन उसका विलोम है, तो बुरी लत को छुड़ाने से संबंधित केंद्र होता है। और एक होता है उत्तर सेवा केंद्र, मतलब आदमी की ये हालत हो जाती है कि अब सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटमेंट है, कौन सा वाला है, जो भी है, अगर उसने तंबाकू का ज्यादा सेवन किया है तो कैंसर हो जाता है वगैरह वगैरह, तो वो उत्तर सेवा केंद्र है, मतलब वहां पे उसे शिफ्ट किया जाएगा, जो को फिजिकल ट्रीटमेंट उसे मिलेगा। आगे है अब केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो कहाँ है, 1947 में स्थापित हुआ था और करीब 1950 से इसका नाम केंद्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो रखा गया है, और इसका मुख्यालय वर्तमान में ग्वालियर में है।
राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो 17 मार्च 1986 में नई दिल्ली में स्थापित हुआ, और एक है इंटरनेशनल लेवल पर वो है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, 1968 में वियना में स्थापित हुआ था, 1968 में वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वहां पे स्थापित हुआ था। तो ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, शॉर्ट वीडियो है थोड़ा, ओके, तो कल हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को भी, और उस चैप्टर में हम एक तो पढ़ेंगे धूम्रपान के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे अन्य काफी इम्पोर्टेंट भारत के मेले वगैरह, हम पढ़ेंगे भारत के मेले, भारत के जो मेन फेस्टिवल है, मतलब विशेषकर जो जनजातीय मेले हैं उन सभी मेलों के बारे में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।